मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक देह व्यापार का रैकेट कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस ने आरती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गोरेगांव में एक जगह से दो मॉडलों को रेस्क्यू भी किया है और उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया है। मॉडल्स ने पुलिस को बताया कि आरती ने उन्हें 15,000 रुपए देने का वादा किया था। पुलिस ने डमी ग्राहकों को होटल में भेजा था और इस तरह उन्होंने इस रैकेट का खुलासा किया और आरोपी आरती मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस रैकेट की जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर को मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और एक को कस्टमर के रूप में पेश किया। प्लानिंग के तहत डमी कस्टमर ने मित्तल से कॉन्टेक्ट किया और उनसे अपने दोस्तों के लिए दो लड़कियों को अरेंज करने के लिए कहा। मित्तल ने इस काम के लिए 60,000 रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने जानकारी दी कि आरती को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो विभिन्न प्रोजेक्ट्स के दौरान वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए लोगों को अच्छे पैसे ऑफर कर रही थी। आरती कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी है। उन्होंने अपनापन जैसे टेलीविजन शो में भी काम किया है। कुछ समय पहले आरती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो आर माधवन के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। फिलहाल आरती पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है।